दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से थ्री फेज लोकोमोटिव में यदि हार्मोनिक फिल्टर से संबंधित कोई फॉल्ट आता है तो क्या करेंगे और कैसे हार्मोनिक फिल्टर को आइसोलेट करेंगे ज़रूरत पड़ने पर, या कैसे सर्विस में लाएंगे, इसके बारे में जानेंगे। एक केस स्टडी के बारे में जानते हैं जो 28/2/2022 को टाटा यार्ड में हुआ था। लोको 32316 लुधियाना का पावर था और ड्राइविंग कैब 1 था। यह ट्रेन नंबर 18072 टाटा खड़गपुर पैसेंजर के लिए नॉमिनेट हुआ था। टाटा में संटिंग के दौरान चूंकि इसके एबी क्यूबिकल से हैवी एयर लीकेज हो रहा था, जिसके चलते हार्मोनिक फिल्टर आइसोलेट हो गया था। हार्मोनिक फिल्टर के आइसोलेट होने के बाद में मेंटेनेंस स्टाफ और CLI टाटा ने इस लोको को अटेंड किया और पाया कि हार्मोनिक फिल्टर क्यूबिकल के अंदर में जो PU पाइप है वो अपने जगह से डिसलोकेट हो गया है। उसे ठीक करने की कोशिश की गई पर सफलता नहीं मिली, अतः हार्मोनिक फिल्टर के एबी कॉक को आइसोलेट पोजीशन में रख दिया गया। साथ ही 154 स्विच को पोजीशन 1 में रखकर बोगी 1 को भी आइसोलेट कर दिया गया और SSC टाटा के द्वारा इस लोको को 40 KMPH में आगे काम करने के लिए अलाउ किया गया। अतः लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट के लिए इससे संबंधित कुछ निर्देश दिए जा रहे हैं जिससे आपको पालन करना है। जब भी एबी क्यूबिकल या उसके रिड्यूसिंग वाल्व से एयर लीकेज होता है और उसे अरेस्ट करना हो तो हम लोग न्यूमेटिक पैनल में जाकर हार्मोनिक फिल्टर के कॉक को आइसोलेट कर देते हैं। इससे हार्मोनिक फिल्टर भी आइसोलेट हो जाता है, लेकिन ध्यान रखना है कि गाड़ी की जब स्पीड 40 KMPH हो जाएगी तो TEV 0 हो जाएगा, लेकिन उस समय कोई भी SR अर्थात ट्रैक्शन कन्वर्टर आइसोलेट नहीं होता है। यदि हार्मोनिक फिल्टर क्यूबिकल में धुआं या आग हो तो उस परिस्थिति में फायर एक्सटिंग्विशर के द्वारा आप उसे बुझाइए और साथ ही न्यूमेटिक पैनल में जाकर FC या FB कॉक जो हार्मोनिक फिल्टर को आइसोलेट करने के लिए होता है उससे के द्वारा हार्मोनिक फिल्टर को आइसोलेट कर दीजिए और TLC को अवश्य सूचना दीजिए और ब्लॉक सेक्शन क्लियर कीजिए। इस समय गाड़ी की स्पीड 40 KMPH होते ही TEV शून्य पर आ जाएगा, लेकिन इस समय कोई भी SR को आइसोलेट करने की आवश्यकता नहीं है, दोनों ट्रैक्शन कन्वर्टर सामान्य रूप से काम करते रहेंगे। यदि हार्मोनिक फिल्टर आइसोलेट कंडीशन में है तो आप SB1 पैनल में जाकर MCB 127.2/1 को अवश्य चेक कीजिए। यदि यह ट्रिप कंडीशन में है तो इसे रिसेट करिए। यदि गाड़ी कार्य करने के दौरान हार्मोनिक फिल्टर आइसोलेट हो जाता है तो उस समय आप बिना रुके ब्लॉक सेक्शन क्लियर कीजिए, या ऐसा न हो तो सूटेबल प्लेस में गाड़ी को खड़ा करिए, MCE को ऑफ ऑन कीजिए। यदि हार्मोनिक फिल्टर सर्विस में आ जाता है तो आप सामान्य स्पीड में गाड़ी कार्य कर सकते हैं। ट्रेवल शूटिंग के दौरान यदि आवश्यकता पड़े तो लाइट लोड की स्थिति में हम लोग SR1 को आइसोलेट कर हार्मोनिक फिल्टर को सर्विस में लाने का प्रयास कर सकते हैं। हार्मोनिक फिल्टर सर्विस में लाने से सामान्य गति से गाड़ी कार्य किया जा सकता है। इसके लिए MCV 127.1/1 को ओपन करना पड़ेगा। IGBT लोको में 127.11/1 को भी ओपन करना पड़ेगा और 154 स्विच को 1 पर रखना पड़ेगा। इसके बावजूद यदि हार्मोनिक फिल्टर सर्विस में नहीं आता है जो लोको स्टेटस देखने से पता चल जाएगा, तो फिर से हम लोग सभी MCV को नॉर्मल पोजिशन में रख कर SR1 को फिर से सर्विस में लाएंगे और काम करेंगे। इस परिस्थिति में TEV गाड़ी का स्पीड को 40 KMPH तक ही अलाउ करेगा। मल्टी यूनिट कार्य करते समय जब किसी एक लोको का हार्मोनिक फिल्टर आइसोलेट हो जाता है तो गाड़ी कार्य करने के दौरान जब गाड़ी की स्पीड 40 KMPH से आगे बढ़ेगी तो डिफेक्टिव लोको का ट्रैक्टिव एफर्ट 0 पर आ जाएगा और जो गुड लोको है उसमें ट्रैक्टिव एफर्ट नॉर्मल रूप से इंक्रीज करते रहेगा और वह 0 पर नहीं आएगा। अर्थात गाड़ी की स्पीड उस परिस्थिति में 40 KMPH से अधिक एक लोको के द्वारा मेंटेन की जा सकती है
और जैसे ही गाड़ी की स्पीड 40 km से कम होगी तो डिफेक्टिव लोगों का भी ट्रैक्टिव एफर्ट फिर से काम करना शुरू कर देगा। रीजनरेटिव ब्रेकिंग लेने के दौरान यदि हार्मोनिक फिल्टर से संबंधित कोई भी फॉल्ट मैसेज SS04 का मैसेज आ जाए तो उस परिस्थिति में RB का प्रयोग नहीं करना है। E70 लोगों में AB कॉक का वेंट मौजूद नहीं रहने के चलते जब इसके द्वारा हार्मोनिक फिल्टर को आइसोलेट किया जाता है तो हार्मोनिक फिल्टर कुछ देर बाद आइसोलेट होता है। इस बात का आप अवश्य ध्यान रखिए। धन्यवाद।